हाय गाइस, दिस इज गिरीश शर्मानी। वेलकम टू माय चैनल द रियल ब्लॉग। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको चेक करने हैं बिफोर बाइंग रीसेल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई रीसेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इंडिया में तो आपको ये 6 डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है चेक करने के लिए, उसके पहले आप ये प्रॉपर्टी ना खरीदिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है जो आपको चेक करना है वो है चेन ऑफ एग्रीमेंट। डेवलपर से लेके आप तक कितनी बार ये प्रॉपर्टी बाय और सेल हुई है उसका पूरा चेन ऑफ एग्रीमेंट आपको सेलर से लेना है। जिससे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उनसे आपको ये जेरोक्स कॉपी लेनी है। आप इस एग्रीमेंट को अच्छी तरह चेक करिए और अपने एजेंट को बोल के इसको वेरीफाई करवाइए रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ। जो वहाँ पे लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वो आपको इसका वेरिफिकेशन करके देगा कि ये चेन ऑफ एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। क्या वो बिल्डिंग को ओसी है या नहीं। अगर वो बिल्डिंग को ओसी नहीं है और आप अगर वो प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है वहाँ की लोकल, वो आपको कभी भी बिल्डिंग खाली करने बोल सकती है या तो वो बिल्डिंग डिमोलिश भी हो सकती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो लाइट का बिल है वो करंट ओनर के नाम पे है या नहीं। अगर वो ओनर क्लेम कर रहा है ये उसकी प्रॉपर्टी है तो लाइट का बिल भी ओनर के नाम पे होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ साथ जो फोर्थ डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है वो है सोसाइटी से शेयर सर्टिफिकेट। आपको चेक करना है सोसाइटी में ओनर का शेयर सर्टिफिकेट पे नाम है या नहीं, क्योंकि वही एक चीज है जो डिराइव करती है सोसाइटी में ओनर मेंबर है या नहीं। फिफ्थ डॉक्यूमेंट तब एप्लीकेबल होता है अगर आपके सेलर ने, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसने या तो लोन लिया है, होम लोन लिया है या मॉर्गेज लोन लिया है, तो उसका आपको अकाउंट नंबर लेना है, उसका आउटस्टैंडिंग कितना है। क्योंकि आप जो पेमेंट करोगे वाया होम लोन और वाया सेल्फ फंडिंग, खुद के जेब से आप दोगे, तो वो पेमेंट बैंक में जानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपका एग्रीमेंट वैलिड तब होगा जब वो बैंक ओनर का एग्रीमेंट वहाँ से रिलीज करती है तब। ये पांचों पॉइंट के अलावा सिक्स्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है टाइटल सर्टिफिकेट। छोटा खर्चा आएगा, आप अपने एजेंट को, रियल इस्टेट एजेंट को आप बोल दीजिए इसका टाइटल सर्च कराने के लिए। जब से ये प्रॉपर्टी बनी थी, जब से ये डेवलपर ने प्रॉपर्टी बनाई थी, तब से लेके टिल डेट तक आपको एक पूरा सर्च रिपोर्ट दे देगा वो। वो सर्च रिपोर्ट आप चेन ऑफ एग्रीमेंट के साथ वैलिडेट कर सकते हैं। 2,000-5,000 रुपए के आसपास इसका खर्चा आता है, बट आपको ये प्रॉपर बता देगा कि कितनी बार ये प्रॉपर्टी बाई हुई है, कितनी बार सेल हुई है, लैंड किसके नाम पे था, डेवलपर कौन था, ओसी कब ली है। ये पूरा टाइटल सर्च रिपोर्ट आपको लॉयर या रियल एस्टेट एजेंट कोई भी आपको ये रिपोर्ट निकाल के दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका डिसीजन बदल सकता है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आप जरूर चेक करिए बिफोर बाइंग एनी रीसेल प्रॉपर्टी इन इंडिया। चैनल पे बने रहने के लिए शुक्रिया। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स प्रॉपर्टी खरीद रहा है या प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करिए।